यूपी में हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के मिलने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पूरी तरह से बंद कर दी है और इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए। अब तक मदरसों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को 1,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती थी और क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती थी। केंद्र सरकार का ये मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है और इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और फ्री किताबें मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले ही की तरह मिलती रहेगी, लेकिन अब उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। पिछले साल राज्य में 16,558 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति ही बंद कर दी। हालांकि राज्य सरकारों ने पहले ही छात्रवृत्ति बंद कर दी है। योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों के सर्वे करवाए थे, इसमें 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे के दौरान इन मदरसों की आय का स्रोत जकात यानी दान बताया गया। ऐसे में अब यूपी सरकार मदरसों के आय के स्रोत की जांच करवाने की तैयारी कर रही है। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाकों में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, बहराइच और श्रावस्ती में 400, लखीमपुर में 200 और महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इन मदरसों में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सऊदी और नेपाल से जकात मिली है। ऐसे में अब इनके स्रोत की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।